ब्लॉग बनाते वक्त मुझे एक अंकल जी की कहानी पता लगी है यहाँ पर, जो कि ये अंकल हैं और ये अपने कुछ परेशानियाँ हैं इनकी जो आपके साथ शेयर करेंगे। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि इनकी जो परेशानी है उसका हल हो सके। अगली आवाज़ आप अंकल जी की सुनेंगे। चलिए मिलते हैं अंकल जी से, देखते हैं क्या कहते हैं वो। सर जी, मैं बाद सिंह बोल रहा हूँ। मैं 30-35 साल का लगातार टूरिस्ट स्टेशन के 12 नंबर रेड़ी से काम करता जी। मेरे नाल लॉकडाउन दे 2 साल लॉकडाउन लगे तो लगे दे विच मेरे तो इन्होंने काम मैनू नहीं दिता, बहुत मेरे नाल एक धोखा किया। इन्हें बहुत बड़ा, मेरी उम्र सियानी हो गई है जी, हुण मैं हार के अज मैं अपने बच्चे अहमदगढ़ दे विच आ काम कह के दवाया। साहब जी, मेरी भी रोटी चलनी भी औखी हो गई सी। साहब जी, मैं 10,500 रुपया महीना ये ठेकेदार बरनाले वाले विजय कुमार नूं पैसे दिंदा सीगा। इहनूं मैं कहा भी चाहे मेरे तो 12,000 रुपया महीना लै लिया कर, तो मैनूं कम दे। इहने ना मैनूं साहब जी हाँ करी, ना मैनूं ना करी। इहने मैनूं बड़ा परेशान किया ठेकेदार ने। टूरिस्ट स्टेशन दे 12 नंबर रेहड़ी, नाम बोलो। नाम बहादुर सिंह ते विजय कुमार बरनाला ठेकेदार। हाँ, देखा तुसी दोस्तों, इत्थे अज पहले ब्लॉग ते मैनू एक न्यूज़ मिल गई है जिन्हां अंकल जी नाल बहुत ही ज़्यादा बुरा होया। एक तुहानू की लगता है कि अंकल जी नू इंसाफ मिलना चाहिदा? यूट्यूब चैनल दे विच कमेंट करके भेजो। तो मैं तो चाहूँगा कि बाबा जी नू इंसाफ मिले। 45 साल नौकरी करन तो बाद उन्होंने एजे स्टेशन ते उन्हां नू धक्कता है जिथे कोई आमदन दा नामो निशान नहीं है। ब्रेड पकौड़ा लैंदा होगा दूर तो बहुत मुश्किल है कि वह दिन की शायद ही 200 दिहाड़ी मसा बनाते होंगे या 100 रुपये भी मसा बनाते होंगे। तो हम उस अंकल के लिए, जो अगर आपके दिल में भी दया भावना जागी है तो मेरे को कमेंट में लिख कर भेजिए कि उस ठेकेदार के साथ क्या होना चाहिए। और पंजाब सरकार, भगवंत मान सीएम जी या उनके यहाँ के अहमदगढ़ के जो भी एमएलए रहे हैं, इस टाइम मौजूदा एमएलए हैं, वो इस बात को सुनेंगे और उनके साथ इंसाफ करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हालीवाल फिल्म प्रोडक्शन, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा पंजाब के अलग अलग स्टेशनों पर घूमने के लिए। तो ये ट्रेन जा रही है और इसी के साथ मैं अमनदीप कुमार आपका फ्रेंड अगले ब्लॉग के साथ मिलूँगा। बाय बाय।